वालेकुम आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट और ये स्पेशल एपिसोड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे ख़ास मेहमान हैं जो जो पिछली निगरान हुकूमत है उसके ख़ास इतिहादी हैं और वो पहली आवाज़ बने जो मौजूदा निगरान वज़ी आजम हैं उनके ख़िलाफ़ वो ये समझते हैं कि जमहूरीत जो है पाकिस्तान में डीरेल होने जा रही है और हालांकि निगरान वज़ी अजम से हैं वो ये भी समझते हैं कि ये जो मौजूदा केयर टेकर है इसकी वजह से बलोचों की जो महरूमियाँ हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। आप समझ ही गए होंगे हमारे पास हैं जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया आपने एक अहम ख़त लिखा है वज़ी अज़म को सॉरी सबक वज़ी अज़म को नवाज़ शरीफ साहब को और उसके अंदर आपने खुल के जो आपके तहफात हैं उसका इजहार किया है आपने कहा है कि जो निगरान वज़ी अज़म आए हैं उसे ऐसा लगता है कि आप बलोचों की महरूमियों को दूर नहीं करना चाह रहे कि एक रात के अंधेरों में आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल कि रात की तारिकी में आपने ये फैसले किए तो आपका तो शाया हुआ था जो वज़ी अज़म सबक़ हैं शबाज़ शरीफ साहब के साथ कोई चौबीस घंटे पहले अनाउंसमेंट आई कि जी इन बारोला काकड़ साहब जो सबक वो, वो वजी अजम बनने जा रहे हैं तो उधर कोई बातचीत नहीं हुई कि जी कौन निगरान वजीर अजम आ रहा है थैंक यू यूजा देखिए जिस ख़त का आपने ज़िक्र किया है पता नहीं हमारी एक बुरी आदत है इसको समझें या अच्छी आदत समझें हम अपनी राय या अपने फैसले का इजहार करते हैं बड़ी पार्टियाँ बड़े लोग जो है ना वो शायद उनको ख़ुदा ने इतनी बर्दाश्त दी हुई है कि वो बर्दाश्त भी करते हैं और या पाकिस्तान के जुमला उसको कहें कि मसाइल या नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है ना वो खामोश रहते हैं आ, जो खदशात मेरे हैं वो इन सब के हैं फ़र्क सिर्फ ये कि मैं बोल पड़ा हूँ वो जो है बोलने की जरूरत नहीं कर रहे हैं आज नहीं तो कल जरूर करेंगे ये कौन है जिनके सब खात जो भी हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं उस, उस तेरह पार्टियों का जो को जो इत्याद रहा है सब तो नहीं उनमें से कई ऐसे हैं को तो कोई नहीं हो, होंगे इस फैसले से बहुत नाखुश हैं कोई आ, अपनी मैंने कहा ना सब्र की वजह से वो खामोश हैं कुछ जो है नजरिया ज़रूरत के तहत खामोश हैं लेकिन आज नहीं तो कल वो ज़रूर मुझसे ज़्यादा फूट पड़ेंगे और जब वो फूट पड़ेंगे तो फूट के सिर्फ रोना आएगा उनको और कुछ हासिल नहीं होगा जहाँ तक आपने उस मीटिंग का या डिनर का आ, हवाला दिया बिल्कुल इससे एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने हम तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियाँ जो उस हुकूमत का हिस्सा थी चाहे वो पार्लियामेंट में हैं या नहीं है या जो पी का भी हिस्सा थे उन सबको मधु किया था वो एक हम समझे एक फॉर्मल डिनर है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनका साथ दिया और फिर मैंने ये उनसे अजहर किया कि प्राइम मिनिस्टर ये इख्तियार आपका है पहले भी मीटिंग आपसे हुई थी जूम पर मैंने पहले कहा था इख्तियार आपका है जिस किसी को आप रखें हमें कोई एतराज़ नहीं लेकिन जो भी फ़ैसला करेंगे सोच समझ के करें ये मेरे अल्फाज जो बारहा मैंने कोट किए हैं कि एक होता है केयरटेकर जिसको निगरान कहते हैं जो सर्टन पीरियड के लिए किसी चीज़ की निगरानी करते हैं हुकूमत की निगरानी करते हैं और जब वो टाइम मकर्रा वक्त ख़त्म हो जाता है उसको हैंड ओवर करते हैं उसको कहते हैं केयरटेकर एक दूसरी होती है जो हमेशा रहे हैं, जिसको अंडरटेकर कहते हैं आपने इसका किया। जी बिल्कुल और वो ऐसे ना हो कि यहाँ पर जमूरीत की जो है का बना दे तो उसका एहतियात करें और कथन इस किसी शख्स का जो है जिक्र नहीं हुआ था कि इसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे हमारे लिए ख़ुद सरप्राइज़ था सुबह को यहाँ पे हम बैठे हुए थे दोपहर के टाइम पर अचानक न्यूज़ आई कि जी इनको क्या है काकड़ साहब को जो है वो वज़ी अजम बनाया गया मगर साँग साँग है मगर देखिए एक ख्वाजा आसिफ साहब जो सबक डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा इसके ऊपर फैसला हो गया था कि जो अब्दुल मालिक साहब हैं बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है उनकी लोग बड़ी इज्जत करते हैं कि वो ही अगले निगरान वजीर आजम होंगे और इसके ऊपर किसी को कोई इतराज़ नहीं था तो आपसे पूछा गया था कि जी आपके तो बड़े अच्छे दोस्त भी हैं मालिक साहब आप उनको अच्छी तरीके से जानते कि जी मालिक साहब को हम निगरान वजीर अजम बना रहे हैं नहीं जी हाँ मुझे ये याद है जब आ, पहली मीटिंग हुई थी उसमें अक्सर लोग जूम पे थे मैं भी वर्ड में था गाँव में तो हमने कोई नाम नहीं दिया डॉक्टर अब्दुल मालिक की पार्टी की तरफ से एक नाम आया था शकील बलोच जो हाई कोर्ट के सबका जज रह चुके हैं उनका नाम आया था उनकी तरफ से ये नाम आया अब ख्वाज आसिफ़ को नाम किसकी तरफ से आया था या किसने वो नाम दिया वो हमारी इन मीटिंगों में जैर बस नहीं आया और दूसरी बड़ी बात डॉक्टर मालिक साहब भी हमारे लिए काबिल इतरा में वो एक पार्टी के हेड है और वो ख़ुद भी मेरे ख्याल में इलेक्शन लड़ना चाहेंगे अगर इलेक्शन हुए तो वो ज़्या वो खुद कैंडिडेट भी होंगे चाहे प्रशल से हों नेशनल से हों तो ये ख़ुद भी हैरानी की बात है कि वो पार्टी को छोड़कर कर और अपनी इलेक्शन कंपेन को छोड़ कर वो किस तरह निगरान वजी अजम बनेंगे आपने कहा कि अगर इलेक्शन हुए क्या आपको लगता है कि अब जो निगरान वजी अज़म आए हैं आपने एक तरफ़ इशारा भी दे दिया कि ये जनाजा निकाल देंगे जमहूरीत का इसका क्या मतलब है कि आपको ये साइंस नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे नहीं जब इलेक्शन एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर वक्त मकर से पहले डिज़ोल्व हो जाती है असम्बली तो नाइन्टी डेज जी या तो सिक्सटी डेज ना नाइन्टी डेज day, हम मैक्सिमम भी जिस दिन से असम्बली डिज़ोल्व हुई हैं वो आपकी नवंबर आता है लेकिन मैंने खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन की और हुक् सबका हुक्रान को कहें हुँ। वो हुँ। तो फेबररी का नाम दे रहे हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को तो अबूर कर गए ना जी वो हम कहते हैं ना उसको तो रोन डाला मगर देखिए ना अब फेबररी के अंदर तो इलेक्शंस इनको करने पड़ेंगे क्योंकि मार्च के अंदर जो है सैनेट इलेक्शंस होंगे तो वो इलेक्ट्रल कॉलेज खाली तो नहीं छोड़ा जा सकता तो आपको नहीं लगता कि अगर नवंबर में इलेक्शंस ना हो और हल्का बंदियाँ एक बहाना भी बन जाए तो फिर फेब्री में इलेक्शन हो जाए यहाँ पर रास्ते निकल जाते हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को हम देखते हैं तो हम वाले जो हम अपने आप को महरूम समझते हैं ना मुझे तो सबसे ज़्यादा ये महरूम व मजलूम यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है ना इसको डिक्टेटरों ने बख्शा है ना ही यहाँ पर डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने उसको बख्शा है तो यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मोम का बनाया गया कि जो अपनी मर्जी के मुताबिक इसको मोल्ड करे वो कर सकता है यह आपने बात तो खूब की मगर बहरहाल इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर आगे हम चलते हैं तो आपको लग रहा है कि चूँकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए भी कर रही हूँ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जब हल्का बंदियों या सेंसस की बात हुई तो कहा जाता है कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर कामरान मुर्तजा जे यू आई फे के वो कहते हैं हमें उधर नंबर कुछ और दिखाई गए थे फिर जब नोटिफिकेशन हुआ सेंसस का दो हज़ार तेईस का वो नंबर कुछ और थे और बलूचिस्तान की तादाद कम कर दी गई थी बिल्कुल जी हमने मैंने फ्लोर द हाउस पे भी इस पर एतराज़ उठाया बलूसन की आबादी जो पहले फिगर्स हमें दिखाए गए थे वो दो करोड़ तेरह या चौदह लाख थे और अचानक सीसीआई की मीटिंग बुलाई गई सीएम एम मौजूद नहीं थे उसके लिए सीसीआई की मीटिंग को जो है डिले किया गया छः घंटे वजीर आला बलुस्तान के लिए इंतज़ार किया जा रहा है देखिए यह yeah, uh, हमारी खुशकस्मती है कि सी सी आई की मीटिंग को जो है ना बलुस्तान के वज़ी अलग के लिए जो है ना छः घंटे के लिए जो है उसमें uh, ब्रेक दिया जाता है वो बलुस्तान के मफादत के लिए नहीं था उनके अप, अपने मफादत थे उसमें अपने मफादत ये थे कि बलुस्तान की आबादी बढ़ेगी चुजार बलुस्तान की सीटें भी बढ़ेंगी बिल्कुल और बलुस्तान की सीटेंगे बढ़ेंगी तो कहाँ से घटेंगी कहीं से तो घटेंगी ना जी जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाएं जिसमें आप टू थर्ड मेजोरिटी लाएं तो तमाम सूबों की आप सीटें बढ़ाएँ वो अलग बात है लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको किसी एक सूबे से जो है सीटें माइनस करके बलूस्तान के खाते में प्लस करनी थी तो वो सुबह पंजाब की और कोई नहीं था तो आ, उसको बचाने के लिए सी सी आई की मीटिंग बुलाई गई नंबर एक और इम्कान ये हैं कि सी सी आई की मीटिंग में मरदम शुमारी को जवाब जो बनाया गया है उसमें इलेक्शन के डिले होने का भी एक जवाज है जिसको शायद जवाज़ बनाए अब मरदम शुमारी हमारे यहाँ ये पहली मरतम नहीं ये मेरे ख्याल में सातवीं मरदम शुमारी है पहले मरदम शुमारी पेंसिल से होती थी हमने उसको एक्सेप्ट किया फिर फाउंटेन पेन आया हमने उसको एक्सेप्ट किया फिर बॉल पेन का ज़माना आया हमने उसको एक्सेप्ट किया अब तो आपने खुद का डिजिटल मरदम शुमारी है डिजिटल मरदम शुमारी में अगर कहीं कमी पेशी हुई है तो उस पर्टिकुलर इलाके को या उस गांव को उस शहर को उस डिस्ट्रिक्ट को आप करें ना अपने होल से जो है, 73 होल जो थ्री लोग माइनस किए हुए हैं तो सिर्फ अपनी सीटें बचाने के लिए मगर देखिए इसके अंदर भी कुछ मुश्किल तो अब आ गई हैं आज ही एक स्टोरी भी छपी है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जहाँ तक प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हैं अगर उसके अंदर आप हल्के बंदियों के बाद आप बदलाव करेंगे तो उसके लिए आपको एक सिटिंग नेशनल असम्बली मुंतब नुमाइंदे चाहिए होंगे उसके बगैर नहीं हो सकता तो आपको अब मजीद मुश्किल मुझी नहीं नज़र आ रहा कि 2023 के सेंसस पे इन्होंने एलान तो कर दिया है कि इलेक्शंस होंगे मगर आज इलेक्शन कमीशन जो है वो आ, उसके हवाले से एक स्टोरी की गई है कि वो बड़े परेशान है कि ये कैसे होगा इसलिए चूँकि आपके पास तो मंतिब नुमाइंदे नहीं हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी है यहाँ पर जो फैसले किए गए जज्दबाजी में फैसले किए जाते हैं सिर्फ हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ नहीं बनाई हमने शॉर्ट टर्म पॉलिसियाँ बनाई और उन शॉर्ट टर्म पॉलिसी की वजह से हमने ऐसे फैसले किए हैं इस मुल्क में जो जिन फैसलों को जो ना हमने बरसों भुगतना पड़ा है मैं मगर अभी भी जो कुछ फैसले हुए हैं आपकी खत से ऐसे लग रहा है कि हमें बरसों भुगतने पड़ेंगे क्योंकि आपने और मैं आपका खत पढ़ देती हूँ चूंकि नाजरीन भी उसको जान लें कि आपने ये कहा है कि एक बार फिर रात की तारीखों में बग़ैर इतहादियों को इतमाद में लिए कानून साजी करके जमुरी इदारों को कमज़ोर करके गैर जमुरी ताकतों को मजीद ताकतवर करके जमूरीत के ताबूत में कीलें ठोकने के मुतरद होगा ये बात आपने लिखी है मियाँ नवाज शीफ साहब को ये नहीं हुआ जी रात को बारह बजे कानून साजी नहीं हुई आपके इसम्बली में जो है कॉरम नहीं होता था बीस लोगों की मौजूदगी में आप लोगों ने कान कोई जिसको अगर कोर्ट में चैलेंज करे

ना कि सिर्फ इसकी मुखालफत की बल्कि एहतजाज भी किया इस पर लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कौन है अपोजिशन लीडर भी हम सुनते हैं यहाँ पर अपोजिशन भी है लेकिन ना होने के बराबर है जब असम्बली में कॉरम पूरा ना हो बीस आदमियों पर पूरी असम्बली चले जहाँ पर स्पीकर मैंने उस दिन स्पीकर का कहा था कि यहाँ पर जो फैसले हुए हैं ये आने वाले दिनों में आपको भी इसका जवाबदेह होना होगा मगर जब आप कहते हैं कि जी जमहूरीत को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है तो क्या आप सिर्फ़ निगरान वज़ी अज़म को देख कर ये कह रहे हैं मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी कर रही हूँ कि अभी जो आने वाले कुछ दिन हैं उसके अंदर फोकस है इकॉनमी के ऊपर होगा तो सी के हवाले से भी कुछ मनसूबे बलूचिस्तान के हवाले से भी तैयार किए गए हैं तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि क्या यहाँ पे माशी फैसले होने होंगे उसके लिए जमहूरियत जो है उसको बैकबर्नर पर डाला जाएगा और पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी को है उसको रियलाइज़ किया जाएगा एक तो जो आर्मी एक्ट के तहत जो फ़ैसले किए गए हैं क्या किसी जमहूरी माहौल में या एक डेमोक्रेटिक उसमें कंट्री में इस तरह के फैसले होते हैं जहाँ पर आपने उन इदारों को इतना अख्तियार दिया है कि जब जी चाहें वो कहीं पर रेड करें उनको कोई पूछने वाला ना हो किसी के घर में घुस जाएँ उनसे कोई पूछने वाले दें अगर आप पर ये शुभ किया जाए कि आपके कैमरे ने कोई ऐसी तस्वीर ली है जिससे कौमी सलामती को खतरा है तो आप भी उस जमरे में आते हैं तो ये ये कौन सी जमहूरीत जब, है मगर उस वक्त आपके जो रुकन थे उन्होंने सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं उस वक्त जो है आवाज़ उठाई कौमी असम्बली के अंदर मैं कहा ना रात के ग्यारह बजे बारह बजे कोई वहाँ पे पूरा पूरी असम्बली में जो बीस लोग भी मौजूद नहीं थे हमारे आ, मैं तो मौजूद नहीं था बाकी जो हमारे अरकिन थे कुछ बलुस्तान में थे रात को जो है वो उस असम्बली के इजलास में भी मौजूद नहीं थे लेकिन जिम्मेदारी उन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की जो जमहूरीत के दावेदार हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या हम लोगों ने जो नारे लगाए थे कि वोट को इज्जत दो यही वोट की इज्जत है मगर आज जो आप ऑपोजिशन कर रहे हैं लोग ये पूछेंगे कि पहले क्यों नहीं की पहले क्यों नहीं आप लोगों ने ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की तरमीम हुई पेमरा का हुआ उसके ऊपर क्यों नहीं अख्तर मैंगल साहब बोले मैंने पहले भी जुलाई 2022 में अप्रैल में गवर्नमेंट हुकूमत बनी मैंने जुलाई 2022 में एक लेटर लिखा था प्राइम सॉरी नवाज शरीफ साहब को जो आपने जाहिर नहीं किया जी हाँ और उनको इन खदशात का इजहार किया तो उन्होंने कहा था कि जी मैं शहबाज शरीफ से बात करके आपकी जो भी इशूज़ हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा और हर बार जो उनसे मिलते थे वो बड़ी इज्जत मैं कहता तो हूँ कि जितने भी हमने प्राइम मिनिस्टर देखे शहबाज शरीफ की तरह जिस अंदाज में वो उन वो मिलते थे जितनी इज्जत वो देते थे उसकी कोई मतलब कंपेरिजन नहीं लेकिन उसके बदले में जो कुछ हम लोगों ने खोया लॉस सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, नहीं किया जी तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने बल्कि मैं समझता हूँ यहाँ पर जमुरियत जो है ना वो हार गई है इधर लेते हैं छोटा सा वक्फ़ा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं वेलकम बैक नाजरीन हमारे साथ हैं जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब बलोचि नेशनल पार्टी के सरबरा आपको क्या लग रहा है आपने तो बड़े साल पाकिस्तान के अंदर सियासत देखी है कि अब क्या होने जा रहा है अनवारोला काकर साहब जो है निगरान वजीर अजम बन जाते हैं अभी उनको ये भी इख्तियार आपकी असम्बली ने दे दिया है कोई प्रोजेक्ट्स अगर जो शुरू हुए हैं उनको कंटिन्यू कर सकती तो ये इनको पहली दफ़ा केयर टेकर बड़ी दफ़ा आई हैं पाकिस्तान में मगर पहली दफ़ा उनको ये स्पेशल एक अथॉरिटी तो आप क्या देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं इस मुल्क में कुछ ऐसे फैसले हैं जो शायद आ, कोई जमहूरी हुकूमत कर ना पाए और हमेशा जमहूरी हुकूमत को जवाबदेह होना पड़ता है चाहे वो कोई कानून साजी करे उसको जवाबदेह होना पड़ता है किसी को गिरफ्तार करे वो, वो जवाबदेह क्योंकि एंड ऑफ द डे उसको इलेक्शन में लोगों के साथ तो जाना है अब इन पिछले सोलह महीनों में जो महंगाई का बोझ आवाम पर पड़ा तो मेरे ख्याल में हम उसके हवाले से अवाम के सामने जो है जवाबदेह नहीं हो सकते नहीं। फेस नहीं कर पाएंगे हम या यहाँ बलुस्तान में जो लोग मिसिंग हुए हैं उनकी भी हम जस्टिफाइड नहीं कर सकते कि जी क्यों मिसिंग हुए हैं कौन है इसके पीछे लेकिन निगरान हुकूमत जो कोई फैसला करे चाहे वो रेकोडे किस शक्ल में करे चाहे पी आई की प्राइवेटाइजेशन की तरफ से करें चाहे मुल्क के दूसरे असासाते हैं उनको प्राइवेटाइज करें उनसे कोई पूछने वाला कौन एहत करेगा इनके खिलाफ मगर इतना बड़ा फैसला पी आई ए को प्राइवेटाइज करना क्या वो आ, ये निगरान ले सकती है क्यों नहीं लेगी जब उन्होंने देखा जी अपनी इकॉनमी को सुधारने के लिए ये फैसले शायद आपकी जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट करना भी चाहती थी नहीं कर पाती लेकिन इनके लिए करना मुश्किल नहीं होगा तो फिर ये फेबुरी के अंदर तो इलेक्शंस नहीं होने वाले अगर इन्होंने इतने बड़े फैसले करने हैं तो आपको लगता है कि फेबुरी के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे निचकारी होगी पी आई ए की निचकारी अगर आप कहते हैं और जो नेशनल एसेट्स हैं हमारी अगर उनकी होनी है काश फैसले करने का इख्तियार अपने बारे में फैसले के बारे में हमें सोचने का भी इख्तियार होता हमें और आपको तो सोचने का भी इख्तियार नहीं न क्योंकि आजकल तो यहाँ पर सोचने पर भी पाबंदी है बोलने पर तो थी अब तो आप सोच भी नहीं सकते और नीयत नियत भी आपको देख के बनानी पड़ती है मगर अगर अनवाल काकड़ साहब के पास चूँकि ख़त आपने उसके हवाले से लिखा है उस हवाले से अगर हम वापस आए तो सवाल ये बनता है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब या मियाँ शबाज शरीफ साहब के वो नॉमिनी नहीं थे और वो अपोजिशन के भी नॉमिनी नहीं थे तो फिर किसके नॉमिनी थे देखिए हम तो ये सवाल उनसे करेंगे ना प्राइम मिनिस्टर से करेंगे न, कि अगर वो उनके नामिनी थे या अपोजिशन के राजा रियाज के नॉमिनी हैं पहले तो ये हमें बताया जाए कि जिस शख्स को आप इस बड़ी स्लॉट में लाना चाहते हैं उसका बायोडेटा तो आप लेंगे उसकी सियासी तो उसके किसके साथ रहे हैं? वो कहाँ पढ़ा है कहाँ बढ़ा हुआ है किस किस किन लोगों के साथ क्योंकि आप मामूली सी एक पुलिस ऑफ़िसर भर्ती करने में आप उसके तमाम उनका जायज़ा लेते हैं ना जी हुँ. कि किसके साथ इसके तालुक हैं कहाँ गया है मुल्क के किन किन हिस्सों दुनिया के किस किस हिस्सों में रहा है जब प्राइम मिनिस्टर किसी को आप बनाते हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर ने उनका वो बायोडाटा चेक किया कि एक ज़माने में जो काफ 2008 में काफ़ की टिकट पे वो इलेक्शन लड़ा था फिर उसने नून ज्वाइन की फिर बाप को बनाने में इनका कितना बड़ा तो जब रोल आपने वजी से इंटरेक्शन की तो आपको ऐसा लगा कि उनको उनके बारे में पता है मियाँ नवाज शरीफ साहब को यह खत लिखा क्या आपने क्या सोच के लिखा मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ क्या आपको लगता है कि ये जो भी फैसले हुए हैं इसके अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब की रजाबंदी नहीं थी क्योंकि अभी तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं आया जो आपने जुलाई में खत लिखा था उसका तो जवाब उसका जवाब तो आया था इसका जवाब अभी तक नहीं है उसका तो जवाब वेरी नेक्स्ट डे मुझे मिल गया था और ये इतना बड़ा इशू है जिसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है और ये वो तो पाकिस्तान पोस्टल सर्विस के जरिए तो मैंने नहीं भेजा था तो डाक कहीं पर गुम हो गई होगी ये तो सब ये। उनको उनको जरूर मिल गया होगा अगर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और नेशनल मीडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो मियाँ साहब तो जवाब नहीं आया तो या तो रजामंदी हो सकती है या वो उससे बेखबर है आप अहम इतिहादी रहे हैं ये जो अभी हुकूमत गुजरी है मियाँ नवाज शरीफ साहब का कितना अमल दखल था मियाँ शबाज शरीफ साहब के फैसलों में मैं उसके बारे में कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा वो उनके फैमिली मैटर था और फैमिली किस तरह उसको चलते हाँ शुरू में जब ये कुछ पी थी बनी थी और उसमें तो मियाँ साहब हमारी तमाम मीटिंगों में आते थे और वो जो पीडीएम का एक नैरेटिव था उसको तो वो सपोर्ट कर रहे थे लेकिन जब से हुकूमत बनी है उस तो मीटिंग हुई पी डी की बहुत कम हुई है एक आध मीटिंग हुई है उसमें मैंने मियाँ नवाज शरीफ को नहीं देखा तो उसके अंदर अगर आपने मियाँ नवाज शरीफ को नहीं देखा तो क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ आपने काम तो किया है आप उनकी जहनीत को कम अज़ कम समझ तो सकते हैं क्या वो खुश हुए हो होंगे इस फैसले से एज ए डेमोक्रेटिक और एक अलाइज uh, के हवाले से जब uh, इत्यादि उसके खुश नहीं है तो उनको भी खुश ना होना चाहिए तो आपको लगता है कि वो इनमार हक़ की जो तैनाती हुई है एज़ निगरान वजी अजम उससे खुश नहीं होंगे अगर खुश हैं भी तो हमें पता नहीं अगर खुश नहीं है भी तो हम उससे बेखबर हैं कुछ दानश्वर ये बात करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो इतिहादी हुकूमत थी उसकी सबसे बड़ा जो फेलियर था वो ये था कि आप एक ऐसे सेटअप को लेके आए हैं वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मगर कोई सर्टनटी नहीं है कि ये सेटअप कब तक जाएगा तो आप नहीं समझते कि इसके अंदर आप लोग भी उस तरीके से मजबूत नहीं कर पाए जमहूरी हुकूमत को जिसे आप आज निकलें बिल्कुल जी जब ये हुकूमत नज़र वजूद में आई थी जब हमने इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था तो तय ये हुआ था कि ये चंद महीनों के बाद इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे ये तमाम पार्टियों ने इस पर एग्री किया था पी में भी ये फैसला हुआ था कि कुछ कानून साजियों के बाद इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद या नैब की कवानी के बाद हम फौरी इलेक्शन और ये भी था कि बजट से पहले हम जो आ, पहला जो बजट आया था 2022 का उससे पहले हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे लेकिन कुछ डिले हुए कुछ हुकूकूमत की तरफ से आ, रुका कमजोरियाँ थी कुछ अदलिया की तरफ से थे कि आप लोग की तरफ जाए बहुत सी पार्टियाँ चाहती थी कि हम इलेक्शन की तरफ फौरी जाए और कान कान उस वक्त अगर इलेक्शन में जाते तो आज माहौल कुछ और होता और होता और उस वक्त कुछ और होता और आज कुछ और मगर किसका ये आइडिया था कि नहीं हम इलेक्शंस में नहीं जाना चाहिए हमें कंटिन्यू करना चाहिए उसमें किसी एक का नहीं था मेजॉरिटी जो बड़ी पार्टियां थी वो उनका ये ख्याल था कि जब तक के जो टारगेट हम ले हमने अपने सामने रखा हुआ है उसमें कानून साजी हमारी मुकम्मल नहीं हुई है उसमें नैब के जो आ, कवानी ने उसमें तरामीम जो करनी थी वो कम्प्लीट नहीं हुई और अदलिया की तरफ से आपने देखा उधर कितनी बड़ी रुकावट थी हर एक कानून साजी के बाद अदलिया का एक फैसला आ जाता था जो रुकावटें बनी और खान में वही वजूहत थी जो इसको हुकूमत को जो कंटिन्यू करने में जो है उन्होंने एक रोल अदा किया तो तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टीजायर है उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी किसी एक पार्टी ने कहा कि नहीं इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए नहीं मीटिंग में तो सब कहते थे कि जब हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए लेकिन ये मजबूरी अपने सामने रखते थे कि जब तक जिस मकसद के लिए हम आएँ जब तक वो पूरा ना हो कर पाते हम इलेक्शन की तरफ ना जाएँ बड़ी दिलचस्प गुफ्तु जो है वो जारी है सरदार साहब एक छोटा सा वक़ा हम लेते हैं चूँकि वक़ा भी हमने लेना होता है वक़े के बाद फिर से हाजिर होते हैं वेलकम बैक नाजरीन आज हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह हैं और उन्होंने हाल ही में ख़त लिखा है मियाँ नवाज शरीफ साहब को और इस बात का उन्होंने एक तरीके से नाराज़गी का इजहार किया है और कहा है कि जो ये निगरान वज़ी अजम जो आए हैं उससे ऐसा लगेगा ऐसा लग रहा है कि जमहूरीत जो है वो शायद डी रेल हो जाए सरदार साहब इस ख़त के अंदर आपने और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं आपने उनकी पार्टी के ऊपर भी जो है कमेंट किया आपने ये कहा है कि हम पिछली बार की तरह इस बार भी ये तस्वुर और ख़्याल कर बैठे कि शायद उन तल्ख तजरुबा के बाद आपकी जमात को अब एहसास हो गया लेकिन आपकी जमात ने हमें पहले भी ग़लत साबित किया और अब भी आपको ये लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो चाहते थे या चाहते हैं उसके मुताबिक उनकी जमात जो है वो आगे नहीं बढ़ी सियासत नहीं कर रही देखिए मैंने दो तजुबा एक नाइन्टी सिक्स का तजुर्बा जिसका इजहार मियाँ साहब ने अपनी ख़ुद कई बार कहा है कि जो उनसे गलती हुई हमारी हुकूमत को ख़त्म कराने में दूसरा दो हज़ार तेरह में जब आए थे हमारे हाल की इतनी से नहीं थी पार्लियामेंट में हमने हती असर कोशिश की लेकिन शायद हैसियत हमारी पार्लियामेंट नहीं थी तो इतनी हमें कदर नहीं दी गई अभी भी जो कुछ हुआ है जो नैरेटिव था पी का हम बिल्कुल उससे हट गए अगर हट गए तो मेरे ख्याल में इससे सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ना पी एम एल एन पे आती है जिसका नारा था वोट को इज्जत दो तो वोट को इज़्ज़त हमने इस हद तक दी कि वोट ही बेचारा जो है वो उससे हमारे उस पॉलिटिकल सनौरे से जो बिल्कुल गायब हो के रह गया है और ये गिला मैंने पहले भी किया उनसे अपने ख़त में भी किया है शहबाज शरीफ से भी मैंने किया हुआ है इसका गिला और दूसरा आपका सवाल था यही कि आपको ऐसा लगता है कि जो उनकी पार्टी इस वक्त है वो ऐसे डगर पे चल पड़ी है जहाँ पे शायद जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का विजन है उससे अलग है जो फैसले हुए हैं आप देखें आप खुद इन फैसलों को को कंपैरिजन करें उनके स्लोगन के साथ और उनकी पीडीएम के साथ उनकी तकारीर में तो उसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा वो नैरेटिव जो पीडीएम का था वो शायद गुज्तर की हुकूमत का नहीं रहा है तो जब आप कहते हैं कि नहीं रहा तो क्या ये फ़ैसला हो गया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर ही रहेंगे और आगे जो है शबाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी को चलाएंगे इसलिए चूँकि पाकिस्तान में रूमर्स बड़े होते हैं मगर वो रूमर्स सच भी निकल आते हैं यहाँ पे माइनस वन का एक फार्मूला जो है वो सामने आया पहले माइनस बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हुई फिर माइनस अलताफ़ हुसैन साहब हुए अब माइनस नवाज शरीफ साहब हो गए जो कि बाहर हैं अब इमरान ख़ान साहब माइनस हुए तो आपको क्या लगता है कि इरादा यही है कि जो भी जमात आएगी पॉपुलर होगी उसका जो सबसे पॉपुलर लीडर है उसको बाहर रखा जाएगा नंबर टू से काम लिया जाएगा देखिए जो कोई इस तरह के फैसले करता है या किए हैं मेरे ख्याल में आ, वो फैसले साबित नहीं होंगे हमेशा पॉलिटिकल पार्टियाँ उनका अपना एक मंशूर होता है और उस मंशूर और उसके फैसलों को आगे ले जाने वाली उसकी लीडरशिप होती है और उस लीडरशिप में अगर ये सलाहियत है उस पार्टी को ज़ीरो से आसमान तक ले गई है तो लोगों को ही डिसाइड करना चाहिए ये फैसला अगर हम वाकई एक अपने आप को कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो विद इन पार्टी पार्टी फैसला करे कि किसको अपना लीडर तस्लीम करती है किसको नहीं करती है किसी और क़त को यह हक़ हासिल नहीं चाहे वो बेनज़ीर की शक्ल में हुआ है चाहे वो अल्ताफ़ हसैन की शकल में हुआ है चाहे मियाँ नवाज शरीफ की शक्ल में या आने वाले दिनों में इमरान ख़ान की शक्ल में होता है ये किसी और को हक हाँ नहीं ये पॉलिटिकल पार्टी तो करार दिया गया है ना इमरान खान साहब को तो अब अगर अगले इलेक्शन होते हैं और इमरान खान साहब के बगैर होते हैं तो आपको लगता है कि वो साफ और शफाफ का जो एक बैरोमीटर है उसके ऊपर पूरे उतरेंगे साफ और शफाफ लेवल फील्ड। तो नहीं होते एक हमारा वो पता नहीं ठीक है किसी को रिजेक्ट करना है तो ये फैसला भी आवाम पर हम छोड़ दें हाँ उस पर कोई केसेस हैं ट्रायल हुआ है ट्रायल में वो नायल हो जाता है तो उसको भी ये हक दिया जाए चाहे कोई भी हो आप एक लेमन से लेकर आप एक पॉलिटिकल लीडरशिप तक यह उनको हक दिया जाए कि वो अपील में जाए और फेयर ट्रायल हो एक और बहुत अहम इशू है इसके ऊपर आपने बहुत सारी बात भी की है आपका मुतालबे भी थे मुतालबात थे जो आपने सिक्स पॉइंट्स रखे थे उसके अंदर एक बड़ा मुतालबा यही था और वो था लापता अफराद का आपने हाल ही में स्टेटमेंट दी कि 400 से ज़्यादा लापता अफराज जो थे वो इमरान ख़ान के दौर में वापस आए इस हुमत के दौरान वो जो लापता अफराद थे क्या कुछ वापस आए या आप समझते हैं और लोग लापता हो गए नहीं जी इस दौर में लापता अफराद की तादाद इतनी ज़्यादा हुई कि हम अब गिन गिन के थक गए आज भी सुबह न्यूज़ आ रही थी कि तुरबत से कहाँ से तकरीबन कल बारह लोग लापता किए गए थे डेली जो इसमें इजाफा होता जा रहा है उस हुकूमत में था निगरान तो ज़ाहिर वो निगरानी करने के लिए लाएँ तो उसमें ज़्यादा ही इजाफा होगा और इजाफा हो हो रहा है और आपको याद होगा कि इनफोट डिसप्रियंस का हम बिल भी लाए थे उसमें जो लापता हो गया था कई अरसे तो बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से हम उसको ले आए उसमें एक वो लाए थे कि फ, आ, जो किसी ने अगर क्लेम किया उस पर को भी उसको भी सजा मिलेगी जो हमने उसको वो शिक उसमें से निकाल दी उस शिक के निकालने के बाद वो बिल भी लापता हो गया आखिर में एक तनकीद आपके ऊपर की जाती है सरफराज मुख्ती साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी उन्होंने कहा कि क्या हर्ज है कि आप जो हैं अनवाराकड़ साहब को एक्सेप्ट कर लें आखिरकार आपने कुदूस बिजेंजो जिनका ताल्लुक बाप से है उनको भी तो आपने सपोर्ट किया है एक वक्त में आपने संजरानी को भी सपोर्ट किया था तो फिर वाई नाट अनवारकड़ मैंने पहले भी कहा है बारह में कहता हूँ आज भी कहता हूँ किसी की से हमें अख्तिलाफ नहीं मुझे बाप पार्टी से अख्तिलाफ नहीं और ख़ुद बिजेंजो जाम साहब बाप पार्टी के थे हमने उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया और कुदूस को ए, हमने मूव किया लेकिन फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास हुआ था उसमें हमारा कोई वोट नहीं था बिल्कुल नहीं था उसमें तमाम बाप के अपने वो कहते हैं इस घर को आग लगी घर के चिराग से हाँ मुझे एतराज़ अगर है अनवार पर उसकी ज़ात पर नहीं उसके नैरेटिव पर मुझे एतराज़ है जिस मिसिंग पर्सन की आपने बात की अनोर उस मिसिंग पर्सनस को जो है ना स, गलत साबित करने की कोशिश की उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जी मिसिंग पर्सन का कोई इशू ही नहीं है लेकिन हम समझते हैं बलोस्तान का इशू को कोई इश, आ, अगर हल करना चाहता है और जब तक कि मिसिंग पर्सन का मसला हल नहीं होगा वो इशू जो है बलुस्तान के मसले जो है हल की तरफ नहीं जाएंगे लेकिन वो वो नैरेटिव ला रहा है जो इस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ है उसकी तकारीर उसके लेक्चर उसकी जो कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंसों में जो खिताबत वो तमाम के तमाम बलुस्तान की एहसास महरूमी को स्टैबलिशमेंट के बजाय बलोस्तान के लोगों बलोस्तान के कॉम परस्तों को ठहराता है दूसरी रिकन्सलेशन की जो आप बात कर रहे हैं और रिकन्सलेशन की सबसे बड़ी रुकावट यही अनासर अनोार हो या दूसरे जो उस, उसके जो जो उसके मसाइल को रिक नहीं कर है जी आर्मी एक्ट के अंदर जो एक्सटेंशन की बात हुई थी जनरल बाजवा को उसके अंदर आपकी पार्टी ने फिर क्यों साथ दिया बिल्कुल मैं उसका एतराफ करता हूँ हमने साथ क्यों दिया जी लास्ट मोमेंट तक हम रुके रहे कि हम इस इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे असम्बली का इजलास चल रहा था यहीं पर मैं बैठा हुआ था जहांगीर तरीन परवेज़ खटक साहब आए कि आप हमें सपोर्ट करें हमने देखा कि जी बिल तो ऐसे पीपल्स पार्टी ने हिमायत कर दी मियाँ मुस्लिम लीग ने हिमायत कर दी उसकी अगर हम ना भी चाहें तो वो पास तो हो जाएगा तो उसके बदले में हमने जो है डेढ़ सौ आदमी रिलीज़ करा है ये गुनाहे मैंने किया एक बेटी को उसका बाप मिल जाता है तो हकीीकता मैंने अपने प्रिंसिपल की भी कुर्बानी दी उस माँ के आंसू को रोकने के लिए उस बहन की सर पे जो चादर थी उसको बचाने के की उन कुवतों को आपने मज़ीद ताकत दे दी जो इनको गायब करते उनकी ताकत को मेरे ख्याल में अगर मैं वोट ना भी देता उनकी ताकत को आज दिन तक कोई ख़त्म नहीं कर सका हैवी है मैंडेट उनको ख़त्म नहीं कर सका मुल्क के जमूरीत के दावेदार उनको ख़त्म नहीं कर सके अगर उसकी ताकत में इजाफा हुआ है उसकी सज़ा जितनी हमें मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा मिले हम उस पर इनकार नहीं करेंगे लेकिन उन उनतों को आज दिन तक इस मुल्क पर आ, मुसलत करने वाले कौन हैं उनको भी तो कुछ सज़ा मिले चले वो वक्त अब पता नहीं कब आएगा कि जिन लोगों ने यहाँ पे मुजालिम किए हैं उनको सज़ा मिलेगी बहुत बहुत, -बहुत शुक्रिया अख्तर मैंगल साहब आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया बहुत थैंक यू जी